अपॉलोजी तो की, कम से कम माना तो कि हाँ वो गलत है, लेकिन ये नहीं मानेगी। नोरा फतेही वाला, जिसमें मेरे को लगता है मैंने तैमूर को बहुत गंदा गंदा बोल दिया जो कि नहीं बोलना चाहिए था, वो दोनों वीडियोस मिलियन क्रॉस थे, एक पे 2 पॉइंट कुछ मिलियन था और एक पे 1 पॉइंट कुछ मिलियन था, लेकिन वो दोनों वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दिए क्योंकि मेरे को लगा वो वीडियोस गंदे हैं। Hi, this is Mo Fans and let's start. यहाँ पे मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं किसी का भी वीडियो देखती हूँ एक्सेप्ट लक्ष्य चौधरी। पहली बात, मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 12 और 13 व्यूज़ के लिए ही कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। और दूसरी बात, कोई है ही नहीं। चलिए हम सलोनी याप्पा की बात करते हैं। ये लड़की ना बहुत अच्छी डायलॉग्स बोलती है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये डायलॉग या तो कैरी के वीडियो से डालेगी, नहीं तो मिर्ज़ापुर से, या नहीं तो स्टैंड अप कॉमेडियंस। आए नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली, अरे भोसड़ी वाला नजर ना लगे तुम्हें। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अरे भाई, करवाली बेस्ती, आगे स्वाद। सब रोस्टर्स ने कहा कि ये डबल मीनिंग एडल्ट जोक मारती है, पर वो तो सब मारते हैं ना। एक बड़ा यूट्यूबर, मतलब जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है वो बड़ा यूट्यूबर, चाहे उनका वीडियो जैसा भी हो। सबने तो डबल मीनिंग जोक मार के ही सब्सक्राइबर बढ़ाया है, तो तुम लोग कुछ नहीं कहते, उन लोगों को तो रोस्ट नहीं करते क्यों? हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेबी। चल बता कहाँ स्टार्ट करें, किचन में करना है, गीले बाथरूम में करना है, ठंडे टाइल पे करना है, लंबे पिलर पे करना है, बाउंसी सोफा पे करना है, खराब रूम में करना है या साफ रूम खराब करना है? चल 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 बता, ऑप्शन दे ऑप्शन दे। अरे बेबी, इतना कुछ देखा है तो कितना कुछ करने को मिलता है, तो ऐसा मतलब एक्साइटमेंट मेरी कंट्रोल नहीं हो रही है। सर एक सेकेंड, अभी 3 दिन पहले ही खेल रहा था, पर होली तो परसों है ना। ओ होली के गुब्बारे, नहीं मुझे जल्दी सुला के पिताजी रात भर अपनी पिचकारी घिसते रहते थे। एक दिन पिचकारी लीक होने लगी तो माताजी ने पिताजी से बोला, लाओ मुझे घिसने दो, तुम गुब्बारे संभालो। पूरी रात माताजी ने मेरे पिताजी की पिचकारी घिसी और पिताजी गुब्बारे देखते रहे। क्योंकि I have not done this before, Ayush. It's my first time. अरे टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूँ ना, आई नो एग्जैक्टली वॉट टू डू। यू डू? Yeah, I've done this before. Oh yeah, you've dated girls before. पिछले 6-7 महीने में से खुल के कभी बातें ही नहीं करी है ना? True. Like इतना खुल के, I'm so like I feel naked right now. Yeah, I can imagine. Hey, listen. Yeah. I know कि हमारी families involved हैं. हाँ, तो? अरे वो पूछेंगे तो मतलब? तो पूछेंगे तो बता देंगे ना? That we did it. अरे हंसो हंसो, ये कॉमेडी वीडियो था, इन सब के मिलियनों में सब्सक्राइबर है, हंसो जल्दी हंसो। सम्राट भाई ने एक वीडियो डाली, उस पे सलोनी ने कुछ बोला तो लक्ष्य हमारा ऑफेंड हो गया। एक्चुअल में जितनी डील्स आप पूरे साल में करती होंगी, उतनी डील उसकी कंपनी वन वे डिजिटल एक महीने में आपके और मेरे जैसे लोस्टर्स को दे देती है। सो ओपन योर आईज एंड सी वेयर आर यू स्टैंडिंग। एक हीरे की अंगूठी खरीद लो तो सुनार को आंखें नहीं दिखाया करते, सम्राट इज द नेम। अरे लक्ष्य भैया, उसने चैनल के ऊपर बोला था ना कि ये सब। पॉइंट क्या है तुम्हारा कि मैं कॉपी करती हूँ कंटेंट सबका? तो सबसे पहले मैंने जो रोज वीडियो देखा था अपने ऊपर, वो किसी 1K सब्सक्राइबर्स वाले चैनल का था, जिसको 50K व्यूज मिले थे सिर्फ मेरे नाम पे। 50K व्यूज मिले थे सिर्फ मेरे नाम पे। देखो हाँ, सब चाहते हैं कि उनकी वीडियोस पे व्यूज आए, उनका चैनल ग्रो हो। तुम्हारे बारे में वीडियो बनाने से वीडियो की क्रेडिट तुम्हें नहीं जाता। चलिए अभी आते हैं ये फेमस वीडियो पे। ऊपर ले लो या तो नाक नीचे ले लो, क्या फायदा डाला मास्क घालून? या तो मास्क ऊपर कर लीजिए या तो मुंह नीचे कर लीजिए। एक क्या? अब और सुनो, और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए, सरकार ने उनको उसी तरह। राव दिया वो सब प्रोडक्ट इंडियन है, होटल के शेफ भी इंडियन है, होटल का स्टाफ भी इंडियन है, होटल में पैसे जिसके इन्वेस्ट हुए वो भी इंडियन है। और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। अरे सर, होटल क्यों बंद करना, होटल इंडिया में, होटल का ओनर इंडियन है, होटल में जो खाना बना रहे वो बेचारा इंडिया। अरे भाई, इसमें कॉपी का बात कहाँ से आया? ये वीडियो की कैप्शन में थी, ठगेश की भी ये ओरिजिनल डायलॉग नहीं है। और इस सिचुएशन में ना यही डायलॉग सबके दिमाग में आएगा, ठगेश क्या, सलोनी क्या, कपिल शर्मा भी रहते ना तो यही डायलॉग बोलते। सबके सब चोर हैं साले। दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल
और सुनो, ये एक्स टिकटॉकर क्या होता है बे? मैं इस बारे में बात कर रही हूँ तो ये मत समझ लेना कि मैं टिकटॉक पे थी। ये क्या बात होती है कि आप टिकटॉक पे थे तो आप यूट्यूब पे नहीं आ सकते? और उसके पाप धुल जाएंगे, जो पापी वो पापी ही रहेगा। और मतलब आप टिकटॉक पे हो तो आप पापी हो, जैसे यूट्यूब तो गंगा है। यार क्रिंज हर जगह है, सबको आगे बढ़ने का हक है, तुम लोगों ने यूट्यूब का ठेका नहीं लगा के रखा है। भाई ये बात ना मुझे समझ नहीं आई, जैसे कि ये मेरा नाम है कुशा कपिला और हाँ मैं वही लड़की हूँ जिसके बारे में अभी एल्विश और लक्ष्य ने बहुत ही उम्दा वीडियोस बनाई हैं। राखी सावंत को करीना कपूर नहीं बोला जा सकता। कपिला को लगता है कि एक्सेंट बदल कर सेक्सुअल ओरिएंटेड जोक्स मार दो, बस हो गई। ऐसा क्यों होता है कि ये हर बार उनका जो ग्रुप है हमेशा एक ही टाइम पे एक ही लड़की को टारगेट करती है? और हाँ, हमारे सम्राट भाई आपने खुद थंबनेल पे कैरी की फोटो लगाई है, हैशटैग लगाई है, जब वीडियो पे कैरी की बात हो ही नहीं रही है। उठा ले रे बाबा। लक्ष्य भाई कुछ टिप्पणी देना चाहोगे आप अपने सम्राट भाई को? सम्राट इज द नेम। और सलोनी आपा तुम भी अपना ये चुटियापा हरकत बंद करो। तुम्हारी वीडियो की कमेंट में तुमको इसीलिए फीमेल कैरीमिनाटी बोलते हैं क्योंकि तुम कैरीमिनाटी के डायलॉग्स बोलती हो, कैरीमिनाटी के जैसे रोस्ट नहीं करती। किसी को बेवजह गाली देना, किसी के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जोक बनाना, किसी के नाम पे स्लैंग यूज़ करना, उसको कूल नहीं बोलते, उस पर हंसी नहीं आती बिल्कुल। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मैं इनमें से किसी की वीडियो नहीं देखती एक्सेप्ट लक्ष्य चौधरी। मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ 2019 से और मुझे उनकी वीडियो से ही पता चली है कि सम्राट भाई और सलोनी आपा के बीच में जो भी है। और बस आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।